खराब होने की खबर थी। भारत समाचार ने जिलाधिकारी से बातचीत की थी और ये स्वार के विधायक हैं, आजम खां के बेटे, उन्होंने बात कही है। ओमपाल, क्या खबर है रामपुर से? क्या पता नहीं है। ओमपाल, ऑन एयर है आप? जी ऑन एयर है, बताइए क्या खबर है। देखिए, यहाँ पर आजम खान साहब के बेटे ने आरोप लगाया कि 300 से ज्यादा मशीनें नहीं चल पा रही हैं और वोटरों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और उन दिक्कतों को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब दे ही नहीं आ रही कि किन कारणों से मशीनें खराब हुई है, क्यों लोगों को दिक्कत हो रही है। ओमपाल, भारत समाचार से जिलाधिकारी जुड़े, उन्होंने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि ये अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, उनको शिकायत करनी चाहिए, लेकिन वो अफवाह फैला रहे हैं, चिन्हित कर लिया गया है, ऐसा कहना था। बिल्कुल, ये बात तो मैंने भी कहा है कि अगर उनके आरोपों में सत्यता है, वो किन किन आरोपों को लेकर आयोग से शिकायत करते हैं, क्योंकि आरोप लगाना तो बहुत आसान है लेकिन आरोपों में सत्यता होना बड़ी चीज है। तो अब इन सब चीजों को लेकर वो उनको देखना है कि वो आयोग को शिकायत करते हैं, उनके पास क्या प्रूफ है। एक दो जगह कुछ देर के लिए मशीनें जरूर गड़बड़ी हुई थी, हमने देखा था, वहां पर लोगों से भी बातचीत की थी, भारत समाचार को सबसे पहले वीडियोस भी भेजी थी हमने, लेकिन बाकी के जिले में जो स्थिति अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं तो उसको लेकर अब यही देखना होगा कि वो किन सपोर्ट के साथ। अब्दुल्ला आजम ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से की है, उनके पास भी खुले रास्ते हैं, विकल्प है, या सीधे सोशल मीडिया को जानकारी दी है? ये बिल्कुल मीडिया को बुलाकर उन्होंने बयान दिया है अपना, एएनआई को बुला करके उन्होंने बयान दिया है, ये बात कही है कि जिले में प्रशासन धमका रहा है उनके लोगों को, मुस्लिम खासतौर से मुस्लिम लोगों को वोटिंग नहीं करने दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल इस पूरी जानकारी के लिए, और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं। मैं आपसे समझना ये चाहता हूं, चूंकि इंपॉर्टेंट बात है, जिलाधिकारी भी जुड़े, अंजनेय कुमार भी जुड़े, उन्होंने कहा कि देखिए ये पूरी तरह से अफवाह है, 300 ईवीएम मशीनें बिल्कुल नहीं खराब है, एक दो मशीनें खराब थी, उन्हें दुरुस्त कर ली गई है, अगर उन्हें प्रॉब्लम होती तो डायरेक्ट कहते, चुनाव आयोग को बताते, 1950 नंबर पर करते, वो सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं, विधायक है, क्या सच्चाई है इसमें? अब देखिए, आजम खां को जहां शंका होगी वो अपनी बात रख रहे होंगे, लेकिन जो सत्यता है उसको जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रमाणित कर दिया। मशीनें खराब होंगी तो स्वाभाविक है कि वो मतदान पे असर आएगा, और आयोग का उद्देश्य यही है कि निष्पक्ष और लोकतांत्रिक ढंग से और लोग जमकर मतदान करें, और मशीनों का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि लोग तेजी से मतदान करें और संपूर्ण मतदान हो। नहीं वीरेंद्र, मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ, चूंकि वो तो शिकायत कर सकते थे, उनके पास रास्ते खुले थे, 1950 नंबर है या जिलाधिकारी को फोन कर, वो तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना ये बात, वो तो खुद विधायक है ना। अब आजम खां तो बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उसके बजाय जो चुनाव आयोग का बयान होगा, जो जिलाधिकारी का बयान होगा, वो ज्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन ये देखिए, जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही हैं, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद। रामपुर में आजम खां एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहले वो जयप्रदा को जिताते थे, अब जयप्रदा उनके खिलाफ लड़ रही है, बीच में उनका झगड़ा हुआ और तमाम सारी तलखियां आई चुनाव में। अब बीजेपी को अपनी ये सीट रिटेन करनी है, वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी रामपुर में, क्योंकि आजम खां बड़े प्रत्याशी हैं। अगर वो जीत गए तो वो संसदीय कार्य के अच्छे जानकार हैं, वो संसद में भी जाकर जो